ये जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही है ना, इस गाड़ी को देख के ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में नहीं होता डॉक्टर किडनैपर के ले जाते हैं लोगों को। राम राम जी। आज है 25 मार्च 2022 और सुबह के 7:30 बजे का टाइम हुआ है। एक्चुअली प्लान हमने किया था कि आज आइलैंड देखने जाते हैं, तो उसके लिए बस एक ही बस थी जो 6:10 पर जानी थी। तो अपने हॉस्टल से 10 मिनट का रास्ता था, हमने प्लान किया था कि 6:45 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 5:30 बजे का अलार्म भी भर दिया और उठ के मैं सोचा 5-10 मिनट और लेटता हूँ, भी बहुत टाइम है। उसके बाद डायरेक्ट आग खुली 6:10 तब तक वो बस जा चुकी थी। तो अभी प्लान कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करके स्कूटी लेते हैं रेंट पे और आसपास की जितनी भी जगह है वो घूमते हैं। एक्चुअली आज हमारा आइलैंड का प्लान था, कल यहाँ पे लोकल में घूमने का था, तो अभी प्लान चेंज हो गया है। आज यहाँ पे लोकल में हर जगह घूमेंगे। तो एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो आप लोगों को दिखाते हैं दोबारा कल जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था आज भी वहीं पे। ब्रेड, केले, sometimes I rode in highway by motorbike, and this side sometimes young generation. Yes. And the young generation stop. I think maybe something broke in motorbike, maybe something I lost, for example, my baggage. I stop. She turned like this and say, "Hello, can we make selfie with you?" Local people, guys, make photo with the foreigner girl, long, very beautiful. Together, selfie. Okay. And after, look, my friend, look, this is your. This is my girl. 9 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम अपने हॉस्टल से निकल रहे हैं। आज एक्चुअली जाने का सुबह प्लान था लेकिन हम लेट उठे तो वहाँ पे जा ही नहीं पाए। आइलैंड जो जाना था तो सोच रहे हैं कि आज लोकल में जितनी भी चीज़ें वो घूम लेते हैं, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर भी है, बाकी तो 3-5-7 किलोमीटर रहते हैं। तो टुकटुक लेंगे, उसमें हर टुकटुक में बैठते ही 200-300 रुपये मिनिमम है, वो 300 रुपये की लेते हैं। तो उससे अच्छा हमने स्कूटी रेंट पे ले ली है, वो स्कूटी और स्कूटी आप लोगों को दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये स्कूटी है जिसका नंबर है NPBFX9940। ये ऐसी भाई बढ़िया डेकोरेट कर रखी है, देख। दो हेलमेट ले लिए हैं, आगे से कुछ ऐसी है। तो जल्दी से लेके चलते हैं। इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, लेकिन आप 6:30 तक आ सकते हो। स्कूटी लेते हैं तो उसके 1800 रुपये श्रीलंकन चार्ज करते हैं, आप देख लो लगभग 550 के आसपास, 550-550 इंडिया वाले। और अगर आप साइकिल लेते हो तो उसका 300 रुपये चार्ज है, वो लगभग 80-90 रुपये लगा लो। लेकिन अभी भाई के पास साइकिल है नहीं, बोले वो कहीं देखनी पड़ेगी, तुम सोचो स्कूटी ले लेते हैं क्योंकि इससे जल्दी घूम जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें 30-35 किलोमीटर दूर अगर साइकिल से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम दो भाई हैं, जल्दी से स्कूटी लेते हैं और आपको बाहर मिलते हैं। तेल बाहर से डलवाना पड़ेगा, यहाँ से 50 मीटर दूर पर है पेट्रोल पंप, तो तेल डलवा दो, फिर मिलते हैं आपको। व्हाट्स योर लैंग्वेज? अभी हम आए हुए हैं नालूर कोंडा स्वामी टेम्पल में, जो कि जापना सिटी से 3 किलोमीटर दूर है, जो कि आप मेरे सिटी देख सकते हो। बहुत ही सुंदर टेम्पल बनाया गया है और ये तमिल आर्किटेक्चर में बनाया गया, मतलब कि मोस्टली हिंदुओं के लिए है ये यहाँ पे। और ये जापना का मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है, मतलब मंदिर बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा मंदिर यही है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। सबसे पहले ये मेन रोड है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर चप्पल उतार सकते हो, इससे आगे आप चप्पल नहीं पहन के जा सकते। वहाँ पे आप अपने हाथ और पैर धो सकते हो, उसके बाद वहाँ से मेन एंट्री है। सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर आपकी ना जो ऊपर के कपड़े होते हैं ना वे निकलवा लेते हैं, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं पहन सकते, नीचे आप या तो लुंगी पहन सकते हो या नीचे कुछ भी पहन सकते हो लेकिन ऊपर नहीं पहन सकते। और जितना भी सामान है जैसे कैमरा होगा या जो भी कुछ होगा वहीं पे निकलवा लेते हैं, उसके बाद वहाँ से एंट्री होती है। फिर वो मेन मंदिर है, उसमें जो मेन मंदिर है जो भी अंदर ना है, एक शिवलिंग भी बना हुआ है, उस शिवलिंग का जो मेन टेम्पल है उसमें मतलब 5 से 6 गेट बनाए हुए, जैसे एक पहला गेट, उसके बाद थोड़ा छोटा गेट हो जाता, फिर तीसरा होता, फिर चौथा होता, बिल्कुल लास्ट में मेन मंदिर है
लेकिन वो पूरी तरह से दिख नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर ना पर्दे टाइप के लगा रखे हैं। वो देखने के बाद आप उसके चारों तरफ एक चक्कर लगा सकते हो, मतलब इस मंदिर में आप मोस्टली अगर देखना चाहते हो तो 10 से 15 मिनट में घूम सकते हो। बाकी बहुत सारे श्रद्धालु अंदर बैठे हुए थे जो बहुत देर से बैठे हुए थे, कोई आधा घंटा से कोई एक घंटा से, और इसके बाद आप वहाँ से चक्कर लगा सकते हो। यहाँ पर आप नारियल फोड़ सकते हो, ये कुछ ऐसा है। और उसके बिल्कुल जस्ट पास में ही मार्केट है, और एक यहाँ पर एक चीज़ और है, आइसक्रीम जो यहाँ की फेमस है और लोकल है, तो भी वो देखने के लिए जा रहे हैं। अभी चलते हैं वापस वहाँ पर। लो जी, रियो आइसक्रीम पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। रियो आइसक्रीम ये यहाँ की लोकल आइसक्रीम है, जाफना की और श्रीलंका की, और फेमस आइसक्रीम है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मतलब श्रीलंका वालों के लिए कॉस्टली हो सकती है लेकिन हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ पर इंटर करते ही सबसे पहले आपको आइसक्रीम रूम देखने को मिलेगा, जहाँ पर सारी आइसक्रीम तैयार की जाती है। इसके जस्ट बगल में आप जाओगे तो आपको आइसक्रीम काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी पसंद की आइसक्रीम बुक कर सकते हो। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, इन पे रेट भी लिखा हुआ है, और यहीं से आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर साइड में बैठने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। मंदिर के पास में ही है, 200-300 मीटर दूर है, तो इसलिए ना लोग ज़्यादा आते हुए हैं यहाँ पर। तो भी हमने लिया है ये, जिसको बोलते हैं जम्बो आइसक्रीम। ये ना मदर ऑफ ऑल आइसक्रीम है, 5 फ्लेवर में है, जिसमें 2 फ्लेवर तो मिल के जली के हैं, एक फ्रूट सलाद का है, एक कैश्यू नट्स का है, और दूसरा वाफर का। अभी हमने जो आइसक्रीम ली थी वो हमने यहाँ पर 350 रुपये की पड़ी थी, जो अपने इंडिया के 100 रुपये की थी, और भाई साहब ज़बरदस्त थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। रास्ते का जो व्यू था वो देखने लायक था, बहुत ही सुंदर व्यू था, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अभी हम मंदिर में आए हैं जिसका नाम है मारुथन रमादम, जो कि हनुमान का मंदिर है, जैसा कि आप मेरे पीछे सकते हो। सबसे पहले एक हनुमान की मूर्ति वहाँ पे है, जो बहुत बड़ी है, मेन रोड से ही दिखती है। और उसके बाद ये मंदिर है, यहाँ पर आप मतलब जो ऊपर की टी शर्ट होती है और बनियान होती है वो निकाल के जाना पड़ता है। इससे पहले भी एक मंदिर था जैसा कि साउथ में है, सेम यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए यहाँ मेन मंदिर वहाँ पे है, मेन जो मूर्ति है वो भी भगवान हनुमान की है, और उसके जस्ट बगल में एक तरफ गणेश जी हैं तो दूसरी तरफ राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति है। मंदिर बहुत अच्छा है, मेन रोड पे ही आप देख सकते हो, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिटी ना जफना उससे थोड़ी सी दूरी पर है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर, और ये सारे ना डोम शेप बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है 12 फीट का, और ये लगभग 60 बने हुए हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन करते थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुरानी जगह है जो कि आप सामने देख रहे हैं। राम राम जी, एक और मंदिर में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है तेली पलाई श्री दुर्गा मंदिर। भाई साहब ज़बरदस्त मंदिर है, सेम पिछले मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी जो ऊपर की टी शर्ट पहन के अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर रखी थी ना, अंदर फोटोग्राफी अलाउड है, लेकिन जो मैं बाहर से कुछ फ़ोटो लिए हैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक बार मेरे पीछे मंदिर देख लो, वो पीछे मंदिर है, भाई साहब ज़बरदस्त मंदिर है। ये मोस्टली ना सारे जैसे अपने साउथ में होते हैं ना, तमिलनाडु साइड में, उस तरह के मंदिर है, मतलब उस तरह की आर्किटेक्ट बना रखी है। भाई साहब ज़बरदस्त मंदिर है। अभी और आगे की चले जा रहे हैं, लगभग ये मान लो 4 से 5 किलोमीटर पे लास्ट पॉइंट है, ये मान लो 4 से 5 किलोमीटर लास्ट पॉइंट है, उससे आगे कोई भी पॉइंट नहीं, फिर उससे आगे समुंदर है। लो भाई, मविद्दापुरम कांता स्वामी मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। मविद्दापुरम कांता स्वामी मंदिर है, ये भी भगवान श्री राम का, हनुमान का, और मतलब हिंदू भगवान का ही मंदिर है। इसमें भी रावण का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभी तक मैंने लगभग 7-8 मंदिर देख लिए, जिसमें से किसी में भी रावण का जिक्र नहीं है। हर मंदिर में भगवान राम का, हनुमान का, इनका जिक्र है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मंदिर भी देख लिया।
लो भाई यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग बता रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, वो बीच के बिल्कुल साथ में है और वहाँ पे हमने समुंदर भी दिख रहा था उसके पास में ही। यहाँ पे उससे पहले पार्किंग लगा रहे हैं, पार्किंग के 20 रुपये ले रहे हैं। इससे 2 मिनट पहले हमें पुलिस वालों ने रुकवा लिया था, ये पीछे खड़े दो पुलिस वाले जो हमारे पीछे खड़े ना, पुलिस वाले जो पीछे दिख रहे हैं उन्होंने रुकवा लिया। तो वे कागज़ चेक करने के लिए एक ने हाथ दिया, हम भगा ले गए और हम सोचते हम वहाँ पे दूसरे रास्ते आदमी से पूछने लगे कि मतलब ये रास्ता कहाँ पे, इतने पुलिस वाले 3 बंदे थे ऑटो में फिर से आ गए, आकर रुकवा लिया, बोला अपना लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाया हमने। उसके बाद हमसे स्कूटी के कागज़ मांगने लगे, पूछने लगे कि मतलब रेंटेड है या कैसे लेके आए हो, वो सब बताया, फिर उसके बाद जाने दिया। मतलब इंटरनेशनल लाइसेंस तो हमारे पास था नहीं, अपना इंडिया वाला ही दिखाया था, उसी से काम चल गया। अब ये हर किसी के साथ चलेगा या नहीं चलेगा, आई हैव नो आइडिया। लो भाई बिल्कुल समुंदर के पास में आ गए हैं, देखो पीछे का भी कुछ ऐसा। यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है, शायद आप लोगों को मेरी आवाज ना सुने, लेकिन व्यू वॉइस अब बहुत ही खतरनाक अल्टीमेट है। और वो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, ये गर्म पानी का कुंड बनाया गया है जहाँ पर नहाने से आपके चर्म रोग ठीक हो सकते हैं, जो कि समुंदर के बिल्कुल किनारे पे बनाया गया है, जिसकी कोई टिकट भी नहीं लगती, आप यहाँ पर आकर नहा सकते हैं। लो भाई अभी यहाँ से बस बीच से निकल ही रहे थे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा तो सोचा खाना खा लेते हैं। ये है इडियप्पम, जो अपने घर पे जैसे जोवे टाइप में नहीं बनाते हैं, उस जोवे टाइप जैसे हैं, देख जैसे ये जोवे टाइप, उसमें एक तो सब्जी मिलाते हैं एंड ये वाली और एक ये चटनी है, ये मिक्स करके खाते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है, अगर छोटे होते जोवे ना होते, बड़े ना होते तो चम्मच से भी खा लेते, चम्मच अपनी छाती लेके चल रहा हूँ मैं, लेकिन इतने बड़े चम्मच से खा ही नहीं जाएंगे तो हाथ से ही खाने पड़ेंगे। ये भाई साहब अभी हम चर्च के पास में थे, ये पीछे चर्च बना हुआ है लेकिन बंद है अभी, लेकिन ओपन में आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। और पीछे समुंदर है और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे ना बहुत सारा गांव टाइप में, जैसे गांव होते हैं ना उसके बिल्कुल समुंदर के किनारे, ऐसा कुछ गांव जैसा भी हो, जबरदस्त हुए मेरे भाई, एक नंबर खतरनाक। अभी हम दोबारा आगे के लिए निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से एक फोर्ट की तरफ, तो उसके बीच में रस्ते में ये व्यू मिला था तो इसको देखने के लिए रुके थे, अभी आगे के लिए जा रहे हैं। श्रीलंका जबरदस्त है मेरे भाई, खतरनाक, और यहाँ की ट्रेन जर्नी बस जर्नी उससे भी खतरनाक, और सपोर्टी तो बता के लगा देती हूँ आप। ये तो मेरे पीछे गाड़ी आ रही ना, इस गाड़ी को देख के ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में नहीं होता डॉक्टर किडनैपर के ले जाते हैं लोगों को, वैसी फीलिंग आती है जितनी बार भी देखता हूँ, और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ये गाड़ी दिखी जाती है। अभी रास्ते में एक प्लेस और आ गया भाई, ये नहीं पता कि क्या है, बस हम जो भी भीड़ दिखती है वहीं पे रोक लेते हैं नाम, क्योंकि सारे यहाँ की सिंघला में लिखी हुई है या फिर तमिल में लिखी हुई है तो समझ में आता नहीं। ये है भाई संगमिथा टेंपल,
लो भाई अभी फेमिनियल फोर्ट आए थे, जो मेरे पीछे देख रहे हो ना यहाँ पे ना, जो श्रीलंकन आर्मी है ना, उन वे फेमिनियल फोर्ट में जाने देते हैं, मतलब आर्मी वाले या नेवी वाले कन्फर्म नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो फॉरनर्स हैं अभी अलाउड नहीं है, चाहे वे सार कंट्री से क्यों ना हो, तो हमें नहीं जाने दिया। 30-35 किलोमीटर पर बात आए। वैसे तो मैंने रिव्यू पढ़ा था, एक बंदे ने लिखा हुआ था कि जो फॉरनर्स अभी अलाउड नहीं है, फिर हम सोचे कि हमको कहाँ फॉरनर्स मानते हैं सार कंट्री वालों को, हम जा सकते हैं, लेकिन हमें भी नहीं जाने दिया, साफ साफ मना कर दिया। तो अभी वापस जा रहे हैं यहाँ से अपने होटल, जो लगभग 23 किलोमीटर है, जिसमें 40 मिनट दिखा रहे हैं गूगल महाराज, फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। इसके ना ऐसे कोनों पे खड़ा होना पड़ता है, एक साइड जैसे मैं खड़ा हूँ, एक साइड वो भाई खड़ा है, दोनों कोनों पे खड़ा होता ना, तब ये थोड़ा सा नीचे टिकता नहीं तो थोड़ा सा ऊपर रहता, जिसके कारण ना फिर ऊपर चढ़ नहीं पाते व्हीकल। सर तट शुरुआत में हम यहाँ आए ना, यहाँ पे आके गूगल महाराज ने दिखाया सीधे वहाँ पे जाना है, हमने देखा यार छोकर देखो पानी है, पानी है, कैसे जाएंगे। एक बार तो हमने सोचा कि गूगल महाराज ने धोखा दे दिया, फिर हमने यहाँ पे ना पुलिस वालों से पूछा, यहाँ पे पुलिस वाले से उनसे पूछा, वो बोले फेरी है यहाँ पे, फेरी जाती है, तो 10-15 मिनट बाद फेरी आती है, तो अभी फेरी आई है, यहाँ पे रख लिया है, अब ये यहाँ से वहाँ जाएगी। बोट में जाओ जब ये भी भराते हैं, और कोई दिक्कत ना हो जाए रास्ते में। पूरे दिन घूमने के बाद अभी हम अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर बहुत सारे मंदिर देखे, उसके बाद एक गर्म पानी का कुंड देखा जिससे चर्म रोग ठीक होते हैं, उसके बाद एक रियो आइसक्रीम देखा जो कि बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम देते थे। तो अभी अच्छे अच्छे नज़ारे व्यू देखते हुए वापस चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ।